जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो दो तीन मेरे व्यूवर है उनके पास एक केस आ गया था ऐसा ही गियर का, और वो केस जो है मेरे पास पहले नहीं आया था लेकिन वो केस अब मेरे पास आ चुका और वो केस मैंने सोल्व कर दिया है। उम्मीद है उन लोगों ने भी ये अच्छे से सोल्व कर दिया होगा, लेकिन अगर किसी भाई के पास अब ऐसा केस आता है तो ये वीडियो उनके लिए है। और एक बात और, अगर जो केस जिस तरीके से मैंने सोल्व किया उस केस को, हो सकता है उन भाइयों ने किसी और तरीके से सोल्व किया हो, लेकिन केस बिल्कुल सेम है। केस ये है कि 1150 जो गियर है उस गियर में दिक्कत ये आई थी उनके कि गियर उन्होंने रिपेयर करा था और रिपेयर करने के बाद गाड़ी में जो है गियर डाउन नहीं हो रहे थे, यानी गाड़ी अगर 20 के स्पीड में भी है तो भी गियर डाउन नहीं हो रहे थे, और गियर में कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं थी, गियर लगने में भी कोई दिक्कत नहीं थी और गियर जो डाउन नहीं हो रहे थे वो। चलिए दोस्तों हम चलते हैं गियर के पास और जानते हैं कि वो गियर डाउन क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो केस आपके पास आए और मेरे पास ना आए, क्योंकि जो केस आपके पास आएगा वो मेरे पास भी आएगा और जो केस मेरे पास है कभी ना कभी भविष्य में आपके पास भी ज़रूर आएगा, क्योंकि हम लोग जो है इसी लाइन में लगे हुए हैं और उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से लगे रहेंगे। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आपकी, यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, अब अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वजह बता दो मुझे कमेंट में भाई आपके वीडियो में ये कमी है। और दूसरी बात, मैंने इंस्टाग्राम भी चालू कर लिया है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, अब मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व करवाऊँ, और बहुत से लोगों की करवाता भी हूँ, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ये जो गियर है हमने डिसमेंटल कर रखा है और इस गियर में भी सेम वही प्रॉब्लम थी जो आप लोगों के पास आई थी कि गाड़ी जो है क्लच भी बिल्कुल एकदम ओके काम कर रहा है लेकिन गियर जो है डाउन नहीं हो रहे। चलिए हम जानते हैं गियर डाउन इसमें क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने तो फिटिंग बिल्कुल ओके करी थी लेकिन फिर भी इसमें गियर डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं। गियर डाउन हो जाते हैं खड़ी गाड़ी में, सारे गियर सही लगते हैं लेकिन जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और हमें डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है स्पीड में तो गियर डाउन नहीं हो रहे थे। तो उसमें जो रेंज सोलेनोइड वाल्व वगैरह होता है वो भी अच्छे से उन लोगों ने भी चेक किया था और मैंने भी चेक करा, क्योंकि वो भी एक रीज़न होता है गियर डाउन नहीं होने का। तो वो सब चीज़ें सही होने के बाद में भी वो जो प्रॉब्लम है वो क्यों थी, प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो ये सिंक्रो जो कौन है इसकी इसमें होती, किसी भी एक गियर की जो सिंक्रो कौन है ये क्या होता है, चिपक जाती है, हल्की जाम हो जाती है। ये जाम होने की वजह से इसमें जो गियर फ्री जो क्लच दबाते टाइम जो हमारा क्लच फ्री होता है, फ्री होने के बाद में जो मेन शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो स्पीड कम नहीं होती है, वो स्पीड कम नहीं होने की वजह से ऐसा केस हमें देखने को मिला है। फिलहाल मुझे जो केस देखने को मिला यही केस देखने को मिला, अभी मैंने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया, लेकिन ये इस गियर की नहीं थी, जो नीचे वाला गियर है इसमें ये प्रॉब्लम इसमें थी। और ये गाड़ी उम्मीद है बिल्कुल सही रहेगी और मुझे 100% यकीन है ये गाड़ी सही रहेगी, क्योंकि मैंने भी इसमें पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद में ये बीमारी मेरे हाथ आई है, और ये केस बिल्कुल मेरे लिए नया था और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये नया नहीं होगा, हो सकता आपने ऐसे केस पहले सोल्व कर दिए हो, लेकिन जिन लोगों के पास अगर ऐसा केस आता है तो वो लोग भी आराम से चेक कर सकते हैं, और जिन हो सकता है और कोई दूसरा केस इसी तरीके का आप लोगों ने सोल्व किया हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो केस है यही था। और अगर ऐसा आपकी गाड़ी में होता है तो आप बिल्कुल इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर ही दो, सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, और वीडियो वगैरह भी मैं सब टाइम पर डालता रहता हूँ लेकिन अभी मेरे को इतना टाइम हो गया है क्या बताऊँ मैं, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो यार, इसलिए शायद मेरी वीडियो कम हो गई है यूट्यूब पे, नहीं तो मैं वादा करता हूँ रोज़ वीडियो डालूंगा, हर 24 घंटे में आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन आप वीडियो को लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आज मुझे टाइम मिला इसलिए मैं वीडियो मैंने ये बनाई है, नहीं तो शायद आज भी ये नहीं बन पाती। सो चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आ गई है तो
अभी मैं क्या ही बोलूँ, जो जो करना है कर दीजिए यार बस।